व्हाट्स अप। आज अभी जस्ट मेरे कॉलोनी में किसी ने तो कॉल किया कि एक बंदर है, उसको कुत्ते ने इंजर्ड किया है। देखते कैसा क्या सीन है, पहला समझते हैं और पहला सिचुएशन को देख के फिर जो भी एक्ट करना है वो करेंगे। कितना इंजर्ड हुआ है, क्या इंजरीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे के एक्शन क्या होने वाले हैं। तो आज प्रियांश के साथ दिस इज ओके इन द बिल्डिंग, लेट्स गो। कोई बड़ी बेडशीट मिलेगी क्या, वेस्ट 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 का इतनी बैग वगैरह असल का। अब्बा को फोन लगा लगा उसको अभी बहुत ज्यादा बोल रहा है ये हाथ में आया रहेगा ना, इसके लिए वो हो गया। सोमत चल, सोना नहीं है बाबू। ऑलराइट गाइस, सो मुझे आप लोग से थोड़ा सा बात करना है आगे वाली क्लिप्स के अंदर, जो भी हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि अरे यार ये क्या हो गया, बंदर को इंजर्ड दिखा वो हुआ, तो उसको एलाबरेट करना है। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पसंद नहीं है, और अगर पसंद भी ना होगी पर कुछ ऐसे पार्ट्स रहे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने रहते, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, ये जो थोड़ा सा पार्ट है, ये जो एक दो मिनट है, इसको प्लीज़ स्किप मत करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। तो पहले वाले क्लिप के अंदर ये हुआ कि मुझे कॉल आता है, कॉल आने के बाद मुझे कॉल के ऊपर समझाते हैं लोग कि वहाँ पर एक मंकी है जिसको कुत्ते लोग ने इंजर्ड किया है। सिचुएशन के ऊपर जाने के बाद ये समझता है कि वहाँ पर 15 से 16 कुत्ते थे, वो स्ट्रीट डॉग्स, जिन लोग ने, दो बंदर लोग थे और उसमें से एक बंदर को लोग ने बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड का मतलब ये होता है कि उसके हाथ पैर जो है उसके ऊपर बहुत डीप वुंड्स थे, उसके चेस्ट के ऊपर एक वुंड था और वो इतना डीप था कि उसका जो लंग है मतलब फेफड़ा है वो पंक्चर हो गया था लिटरली, और जब भी वो सांस ले रहा था तो उसके लंग से खून बाहर आ रहा था, ठीक है, इतना बुरे कंडीशन था। सो ये क्यों होना चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या सही है गलत है, इसके ऊपर ही मुझे थोड़ी सी बात करनी है। तो देर आर मेनी पीपल जो स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते हैं, खाना देते हैं, ठीक है, उनका संभाल करते हैं, अगर वो चीज़ एक एथिकल वे में हो रही है, एक अच्छी वे में हो रही है, तो ही उसको मतलब है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो थोड़ा अगेंस्ट टॉक कर रहा है फीडर्स लोग के, या डोमेस्टिक एनिमल रेस्क्यूज के थोड़ा अगेंस्ट टॉक कर रहा है, ऐसी बात नहीं है गाइस। फीडिंग की जो चीज़ है वो हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत अलग लेवल तक करता हूँ। ये पॉइंट के ऊपर बात करने का मोटिव यही है कि अगर आप कुछ एनिमल को फीड कर रहे हो या कोई स्ट्रे एनिमल का संभाल कर रहे हो, तो आपको वो पूरा करना है, आपको सिर्फ उसको खाना देना ये एक चीज़ नहीं है, दिस इज जस्ट 1% काम, ठीक है, ये 1% है उस काम के अंदर। उसके अंदर आपको उसके वैक्सीन चेक करने हैं, वो स्टेरलाइज्ड है कि नहीं वो चेक करना है, क्या वो उसके और एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उस फीडर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर फीडर को या पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हर एक पब्लिक को बोल रहा हूँ, हर एक इंसान को बोल रहा हूँ, जो अगर किसी चीज़ को, अगर ये चीज़ ये काम को कर रहे हैं तो उसको एक एथिकल वे में करो, ठीक है। सिर्फ फीड करना ये कोई मतलब की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ फीड करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोनेशंस लेते हैं लोगों से और ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, पर फिर इसके पीछे के जो एथिक्स है ये, इसके ऊपर लोग कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। मंकी एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे क्या बंदर ही तो है, किसी कुत्ते ने काट लिया मर गया, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, पर नहीं, अगर आप मुंबई के अंदर के कुत्तों का काउंट देखोगे और मुंबई के अंदर के बंदर का काउंट देखोगे या लेपर्ड का काउंट देखोगे या कोई अलग वाइल्ड एनिमल का काउंट देखोगे, स्नेक्स का काउंट देखोगे, तो हमेशा डोमेस्टिक एनिमल से, कैट स्ट्रेस से कम है। तो ये क्यों है के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे जो एनिमल्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फ्लोरा और फौना को डिस्टर्ब करने में। क्यों? क्योंकि इनकी तादाद बढ़ गई है। सेकेंडली, जो लोग इनको फीड कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में फीड नहीं कर रहे, और ये लोग बहुत फाइस्टी हो गए हैं। इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करने को ट्राई कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे सारे सिचुएशंस होती है, तो ये नहीं होना चाहिए गाइस, दिस इज वेरी सैड। कुत्ता कोई बंदर को जाके काटेगा मारेगा, वो उसको शिकार के लिए नहीं कर रहा है, उसने वो फन के लिए किया है। वो 6-15 कुत्ते लोग आके उसको मारना, वो उसके हंट के लिए या उनका पेट भरने के लिए या उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट्स नहीं है।
आप ये बात अपने दिमाग में डाल दो गाइस, ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर अगर समझो कोई प्रेडेटर एनिमल रहता था, अगर वो किसी एनिमल को पकड़ रहा है, खा रहा है, और वो एक लाइफ साइकिल मेंटेन हो रहा है, तो उस चीज़ को मतलब है, ठीक है। पर जस्ट फॉर दैट फन, उनके फन के लिए, जस्ट बारह कुत्ते लोग, उन लोग ने फन के लिए किया ब्रो वो सब। और इनके अंदर मैं उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलूँगा, वो भी एक एनिमल है भाई, समझ रहे हो। बट जिस चीज़ के अंदर, जिस वे के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही है ना, वो थोड़ी सी गलत है। तो सब लोगों से विनती है कि अगर आप आपको एक फीडर मानते हो या एक एनिमल एक्टिविस्ट मानते हो और सिर्फ कुत्ते बिल्ली इन सब के ऊपर काम कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने एथिक्स के ऊपर ध्यान दो, स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ध्यान दो प्लीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। वो बंदर का आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, आप लोगों ने वीडियो भी देखा, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो रहा था। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद हम लोग का एक ही एक विजन निकला कि उसे हमको यूथनाइज करना पड़ेगा। तो जिनको उसका मतलब नहीं समझता है, उनको हमको आर्टिफिशियली मारना पड़ेगा, विच इज़ वेरी सैड फॉर अ रेस्क्यूअर लाइक मी। किसी भी जानवर को मारने का मुझे हक नहीं है, या वो डॉक्टर को हक नहीं है, बट ये हमें क्यों करना पड़ा? बिकॉज जिस पेन से, जिस दर्द से वो बंदर जूझ रहा था, उसकी लंग पंक्चर हो गई थी और उसके वुंड ऐसे थे कि वो कभी हील नहीं हो पाएंगे। मतलब चलो अगर मैं उसके हाथ पैर या अलग सिर वगैरह के वुंड के ऊपर भी काम करूँगा, पर मैं उसके लंग रिप्लेस तो नहीं कर सकता। ऐसे सारे सिचुएशंस के अंदर ये हार्ड स्टेप हमें लेना पड़ता है, और इस स्टेप से या इस चीज़ से गुजरते समय बहुत अलग लेवल का ट्रॉमा होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, या ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसे सारी बहुत सारी बीटी है ना दिमाग में घुस जाती है, ठीक है, और उससे बाहर निकलने को बहुत टाइम लगता है। तो दिस इज़ नॉट सिंपल कि आप ऐसे जाओ या जान बचाओ और फिर ऐसे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी सो कॉल एनिमल एक्टिविस्ट है या जो भी आप काम कर रहे हो, आपको मेरे तरफ से कोई हेट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत अलग लेवल का रिस्पेक्ट है। पर जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्लीज़ थोड़े से एथिक्स में करो। वो बंदर तो हमारे साथ नहीं है, हमें उसको यूथनाइज करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद में। सो ये बीटी हो गई थी थोड़ी, तो यही बात थोड़ी सी शेयर करनी थी। आगे बढ़ेंगे मैं फिलहाल वीडियो के अंदर, आगे वीडियो का थोड़ा फन पार्ट है क्योंकि हम लोग आगे जाते हैं ड्रोगोपेट्स में शायान भाई के पास। शान भाई को आप सब लोग पहचानते हो, द पर्सन हु ओन्स ड्रोगोपेट्स, और जिन्होंने अपने एथीना का एनक्लोजर बना के दिया था, तो आप सभी वो लोग को उनको पहचानते ही हो। उन्होंने, उनके पास कुछ नए टरांटुलास आए थे उनके पर्सनल कलेक्शन में, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि चलो उनका फीडिंग डे है तो लेट्स जस्ट फीड दैट टरांटुलास। तो मेक श्योर यू वॉच आगे का वीडियो, आगे हम लोग टरांटुलास को फीड कर रहे हैं और बहुत सारी फन चीज़ें हैं। सो यस, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, एंड में मिलता हूँ, पीस आउट। Those will be beautiful. Acrylic? Yeah, yeah, got it, got it. Crazy. Good job, Rezram. Crazy, bro. Aa gaya mere paas pura footage. She'll eat one more. Ek aur ek khayega. Chhota tha. Nom 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 nom. Good job. Go back to your den and enjoy it. Good job. Oh, she took it. Good job. Oh, doggy. These guys generally will eat just uske web mein kya chhod. Exactly. Yeah, yeah. That's what I was trying to say. चेहरे के पास कह नहीं है तो पिकेन।
This was my tarantula 2-3 months back. Yeah. This big guy is in a pre-mold, I guess, hai na? Pre-mold mein lag rahi hai. रेडनी She had some good meals. No, she didn't. She's also very tame. Yeah. That's the problem with most of the. No, she doesn't want it. नीचे खोद रहा है वो. ऑफर ऑफर ऑफर. ट्राई करो एक बार देखते हैं. बस टोंग ना लगे उसमें खाली. फील आएगा ना उसका फट से बोल. टूटे यस सर वी हैव आवर मैक्सिकन रेडनी हियर इज अ बिग गर्ल. Hopefully a girl, right? Yeah, surely a girl. Surely a girl, yes sir. Priyansh ke liye it's like dream. Having tarantulas. He's super tame, man. Chalo, chalo, I won't disturb her much. Problem is not only, what's other tame feeding response? Chalo. Chalo, chalo. Chalo. छोड़ दीजिए इनसाइड आई गेस. Easy, easy, easy. Ruk, ruk. Directly camera both. Last one. Yeah, she's going to be Alright guys, so this was it for the video. I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम लोग डालते हैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नेचर रिलेटेड कॉन्टेंट, सब कुछ एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में इस पेज के ऊपर आपको मिलेगा, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा. अगर आपको वीडियोज़ की छोटी मोटी डिटेल और फन इंटरएक्टिव सेशंस को मिस नहीं करना है तो फटाफट जाकर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो. फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत क्रेजी क्रेजी कंटेंट इंस्टाग्राम का भी आता है. सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर. ऑल्सो अगर कोई भी एनिमल आपको तकलीफ में दिखे, परेशानी में दिखे, तो मेरा हेल्पलाइन नंबर जो है ऑफिस का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है. फील फ्री टू कॉल, उसके ऊपर कोई भी एनिमल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प वहाँ पर ज़रूर मिलेगी.
सो ये इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.